हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय नारी तृप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। और आज का ब्लॉग है, क्या बोलूँ, बोलने से पहले कुछ ऐसी यादें हैं, अपनों के जाने का गम है तो बोल नहीं पाऊँगी इतना, लेकिन फिर भी मैंने कुछ शूट किया है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर जीजा जी की यादें रहें। मिल तो नहीं पाई उनसे, लेकिन दीदी से मिलने गई थी मैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। ये सुबह का टाइम है, बच्चों की क्लासेस लगवाने के बाद आफ्टरनून 12 बजे हम निकल गए थे दीदी जी के घर। तो दीदी जी कौन हैं, ये मेरे बड़े ताऊ जी की बेटी हैं, और मतलब उनके हस्बैंड मेरे जीजा जी 2 साल पहले उनका हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं उनसे मिल नहीं पाई क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं दिल्ली में थी। तो अभी जैसे ही मैं घर आई तो मुझे तो उनसे मिलना था। जब मुझे दिल्ली से आना था तो उनके बेटे की शादी भी थी, वो अकेले पड़ गए थे तो सोचा कि शादी कर दें बच्चे की, तो फिर मैं नहीं जा पाई शादी में। भी पहुंच तो गए थे हम हिमाचल, लेकिन क्वारंटाइन थे। तो ये आ गया दीदी जी का घर। ज़्यादा तो नहीं शूट कर पाई क्योंकि इतना मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ यादें मैं अपने चैनल पे रखूँगी जीजा जी की। तो ये देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं बैठी हुई हूँ उनके डाइनिंग रूम में, और ये आब्य है मेरे साथ, ये संदीप जी हैं, और ये अक्षत बैठा है, सामने देखिए ये है जीजा जी की तस्वीर और दीदी जी की। आज शायद कम बोलूँगी, और बोलते बोलते अगर इमोशनल भी हो जाऊँगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मन ही नहीं लग रहा था तो आगे मैंने अंदर का कुछ भी शूट नहीं किया। तो चलिए मैं बाहर उनका आंगन, जो उनकी यादें हैं, देखिए कितने सुंदर फूल इन्होंने लगा रखे हैं, गुलाब इतने सुंदर हैं तरह तरह के, और ये देखिए तुलसी माता कितने सुंदर बना रखी है। इनकी सुंदरता का जितना वर्णन किया जाए वो कम है। आदमी क्या क्या सोच के बनाता है, लेकिन जब रहने का टाइम आता है तो खुद ही चला जाता है। एक वास्तविकता है, रियलिटी है ये। आगे चलिए देखते हैं, बहुत सारे मैंगो ट्रीज उन्होंने लगाए हुए हैं, देखिए कितने सुंदर, और कितने सारे मैंगोज लगे हुए हैं इनमें, ये देख सकते हैं आप चारों तरफ कितना सुंदर उन्होंने अपना घर बनवाया था। लेकिन बोलते हैं ना कि जीने नहीं मिलता, वही हुआ उनके साथ। जब मैं आई तो वो, मैं लास्ट जब उनसे मिली थी मैं वही याद कर रही थी कि मुझे क्या पता था कि जब मैं अगले बार आऊँगी तो मुझे वो इस घर में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैंने अक्षत को बोला था, वो फ़ोटो शूट कर रहा था, और थोड़ी सी वीडियो हमने बनाई थी। चलो कुछ यादें रह जाएंगी मेरे चैनल में। ये देखिए अक्षत, छोटे छोटे ट्री थे, ज़्यादा ऊंचे नहीं थे, तो अक्षत इन्जॉय कर रहा है और वो बहुत खुश था कि इतने इतने से ट्री हैं और इतने सारे मैंगोज लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप कितने सुंदर घर का आंगन उन्होंने सजाया था। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन जो चला जाता है वो कभी नहीं मिलते, वो कभी लौट के नहीं आते, बस यादें रह जाती हैं। और ये देखिए अक्षत बहुत खुश हो रहा था सब ट्री के नीचे घूम घूम के। और ये दोपहर का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, ये बहुत तेज़ धूप भी थी तो इतना मैं सूट ही नहीं कर पाई, बट अंदर भी मेरा मन ही नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर का कुछ कैप्चर करती हूँ और
शेयर करती हूँ वीडियो, तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर प्लांट्स हैं और एक ही ट्री में, जो ट्री आपको दिख रही है उसमें कितने सारे मैंगोज लगे हुए हैं। जो प्रोफेशन था वो एग्रीकल्चर ही था, तो देखिए उन्होंने खुद ये प्लांट्स फूल खुद ही लगाए हैं। और ये तुलसी माता तो मुझे बहुत सुंदर लगती है, ये देखिए कितने सुंदर तुलसी माता हैं और इनके दर्शन से जैसे कि मन खुश हो जाता है। हमेशा जैसे मैं कभी पहले भी आती थी तो ज़रूर यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाती थी। तो चलिए अब मैं मिलाती हूँ आब्या से, आब्या इस टाइम क्या कर रही है। और मैं चाय का कप बाहर ही ले आई थी पीने का, मेरा मन ही नहीं लग रहा था अंदर बैठने का। ये देखिए ये पे बिज़ी हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में बिज़ी हैं। और ये रखा मैंने कप यहाँ पे, आब्या सोई हुई है, उसको उठाना है, उसको काफ़ी देर हो गई थी सोए हुए। जब छोटी थी, जब आई थी जीजा जी से मिलने, तब छोटी सी थी आब्या उस दिन। जीजा जी ने बहुत बातें की आब्या के साथ, अक्षत के साथ। आज तो कोई नहीं था बात करने को, मायूसी छाई हुई थी चारों तरफ, सन्नाटा था, बस यादें थी चारों तरफ। और मन भी बहुत उदास था, आप देख सकते हैं मेरा चेहरा उतरा हुआ है, मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी। लेकिन मैं चाहती कि चलो मेरे चैनल पे यादगार रह जाएगी जीजा जी की कुछ पिक्स, उसके बाद का मैंने शूट नहीं किया। दीदी आए थे मिलने, बैठे थे हम, बातें की, उसके बाद ये 4 बजे का टाइम है तो यहाँ पे बच्चे टीवी देख रहे हैं। और दीदी जी ने खाना बना दिया था, वो हमें बुला रहे थे खाना खाने के लिए, और बच्चे कर रहे थे एंजॉय टीवी देखने का। अब हमें घर भी निकलना था और एक मेरे मौसी का घर था नीचे, उनके घर भी जाना था, तो वहाँ की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मेरा मूड बिल्कुल ख़राब था। तो मैंने यहाँ की ही वीडियो शूट की थी और उसके बाद मैंने मोबाइल रख दिया था। तो अभी खाना खाएंगे हम, तो देखते हैं दीदी जी ने क्या बनाया था। मन तो खाने का था ही नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी मेहमान आता है तो सभी खिलाते हैं। और ये देखिए उनकी बहू रानी, पर मैंने मिलाया नहीं किसी से, ना मैं मिलाऊंगी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था इतना। तो यहाँ दीदी जी खड़े हैं और उनकी बहुरानी जी खड़े हैं, वो नई नवेली दुल्हन है, अभी 1 मंथ ही हुआ उनकी शादी को। और यहाँ आब्या का हेयर बैंड निकला हुआ था तो उसको लगा रहे थे, ये आब्या की भाभी लगे, मतलब दीदी की बहू हैं ये। तो अब देखिए आब्या की नानी जी भी आ गए थे, माँ जी भी आ गए थे मिलने, क्योंकि थोड़ी दूर पे तो मेरा मायका है। तो ये देखिए दीदी जी ने बनाया था वही ट्रेडिशनल हिमाचली केले का मीठा, आप देख सकते हैं थालियाँ लगा दी थी और ये हमें बुला रहे थे खाना खाने के लिए। तो इनका तो हो चुका था लंच जब हम पहुँचे, फिर इन्होंने हमारे लिए बनाया और मुझे वही याद आ रही थी पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने जीजा जी के साथ लंच किया था। आज तो वो है नहीं यहाँ पे, बस उनकी यादें रह गई हैं और इसी बेड पे वो लेटे थे और मुझसे बहुत सारी बातें कर रहे थे। कौन जानता था कि मैं लौट के कभी नहीं उनसे मिलूँगी। और यहाँ पे दीदी जी ने बनाया है केले का मीठा, वही हिमाचली सेपो बड़ी का मथुरा जो हिमाचली धाम की जान कहलाया जाता है। और सेपो बड़ी का डिस्कशन मैंने पहले भी की थी और इसकी रेसिपी भी मैं जल्द लेके आऊँगी आप लोगों के साथ, मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी इसकी रेसिपी की।
बहुत टेस्टी खाना बना था। कुछ बहू रानी ने बनाया था, कुछ दीदी ने बनाया था, और ये दाल मखनी और आम का, आजकल आम तो लगे हैं देसी आम, तो उनका खट्टा बनाया हुआ था, खटाई। तो उसके बाद फिर मैंने फ़ोन साइड में रख दिया, थोड़ा सा सूट किया लोगों के साथ, और उसके बाद हम मौसी के घर गए। उसके बाद हम आ गए, तो ये रात के 8 बजे का टाइम है था जब हम घर आ गए। तो यहाँ से 10 मिनट ही लगते हैं उनके घर तक, ज़्यादा दूर नहीं था वो। तो ये देखिए, आते ही सरप्राइजिंग गिफ्ट था बच्चों के लिए, उसके दादा दादी की तरफ से। तो उनके लिए साइकिल आ गई थी दोनों के लिए, तो बच्चे बहुत खुश थे। अब आप देख सकते हैं कि अक्षत फटाफट से साइकिल का रैपर उतार रहा है, और वो बोल रहा है कि कब मैं इसको चलाऊं और कब मैं इसको दौड़ाऊं। लेकिन यहाँ पे रात का टाइम था, 9 बज रहे थे, और आप वैसे उतारे नहीं जा रहे थे, तो उसने रोने वाला मुंह बना लिया फिर। लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि साइकिल आ गई है, और बस अब तो साइकिल घुमाया करेंगे। लेकिन साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और बच्चा कम टाइम देगा मोबाइल के लिए, टीवी के लिए, तो अच्छा है। वो थोड़ा साइकिल चला लेगा सुबह मॉर्निंग में, तो मूड भी उनका ठीक रहेगा। नहीं तो 24 घंटे टीवी, कभी लैपटॉप हो गया, कभी टीवी हो गया, और फिर मोबाइल हो गया। तो ये देखिए, और बाहर आंगन में ले आई है आब्या। अंधेरे यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, तो मैं तो अभी किचन में गई नहीं थी मिलने मम्मी जी से। जैसे हम आए तो साइकिल रखी हुई थी, गिफ्ट थी दादाजी की तरफ से, अक्षत के दादाजी की तरफ से। तो अब आबे कोशिश कर रही है साइकिल चलाने की, लेकिन अभी रैपर लगे थे तो इतना नहीं। लेकिन अब ये ब्लॉग जो है पिछले हफ्ते का है, वीडियो पिछले हफ्ते की। अब तो आबे बहुत साइकिल चलाती है, बहुत दौड़ाती है साइकिल, सुबह से शाम साइकिल पे ही। और ये अक्षत के लिए थोड़ी सी बड़ी ली, इसलिए क्योंकि दिल्ली में भी थी साइकिल इसकी, थोड़ी छोटी थी, तो उसके पापा ने थोड़ी सी बड़ी की, तो उसे थोड़ा लग रहा है आज की बड़ी साइकिल है। और देखिए, आबे की खुशी का ठिकाना नहीं है, और पांडा तो उसका हमेशा उसके साथ ही रहता है। आपने देखा होगा कि पीछे वाली सीट पे पांडा ही बैठा है। और यहाँ अक्षत के पापा अक्षत को साइकिलिंग सिखा रहे थे, उसको पकड़ रहे थे, ताकि डर भी लग रहा था कि एकदम से गिर ना जाए, लेकिन अब तो वो बहुत अच्छे से चलाता है। तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, जो भी है आप कमेंट दे दीजिएगा। बस एक याद शेयर करनी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ कर ली। मुझे लग रहा था कि चलो मेरे चैनल पे जीजा जी की कुछ यादें और पिक्स रह जाएंगी, तो कभी भी मन करेगा तो मैं देख लूँगी, तो इसलिए मैंने वीडियो अपलोड की। प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, और आप सब कैसे हैं मुझे बताइए, बच्चे कैसे हैं, और आजकल आप सब क्या कर रहे हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके चैनल पे आती हूँ और कमेंट भी करती हूँ। जितना मुझे टाइम लगता है मैं वीडियो भी कोशिश करती हूँ आपकी पूरी फुल वॉच करने की, जिसकी मेरे से फुल वॉच नहीं करती तो हाफ तो मैं वॉच कर ही लेती हूँ। और अक्षत और आब्बे की ये सरप्राइजिंग गिफ्ट आप लोगों को कैसी लगी, उन दोनों की साइकिल कैसी लगी आपको, ये भी बताइएगा। और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।